بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده رواه مسلم الحمد لله اللہ کا بڑا کرم ہے بڑا احسان ہے کہ قرآن مجید کا دور مکمل ہوا اتوار کے دن ہم نے شروع کیا تھا قرآن مجید और आज इतवार के दिन ख़त्म कर रहे हैं 29 रातों में 30 पारे पढ़े गए अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग कुरान सुनते हैं याद करते हैं पढ़ते हैं अमल करते हैं बड़े खुशकिस्मत कुरान इनके लिए क़ियामत के दिन अल्लाह से सिफारिश करेगा। जो लोग के कुरान पढ़े जागे अमल किए कुरान उनके लिए सिफारिश करेगा। हदीस में तो यूँ भी आता है कि सूरह बकरा सूरह आल इमरान पढ़ो ये दोनों सूरतें तुमको क़ियामत के दिन साया देंगे जबकि कोई साया नहीं होगा। फजीलतें बहुत आए कुरान मजीद की आयतों और सूरतों के मुतालिक। सबसे प्यारी आयत सूरह आयतुल कुर्सी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम बहुत प्यारी आयत। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सबसे प्यारी सबसे बड़ी आयत यही आयतुल कुर्सी है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा भी बहुत सारी सूरतें जिनकी फजीलत कुरान मजीद के अंदर आई है। तो कुरान मजीद का ये दौर पूरा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब ये नहीं कि अब एक महीने के लिए कुरान मजीद बंद करके रख देना चाहिए, फिर आइंदा साल जब रमज़ान आएगा तो फिर मस्जिद में आके कुरान सुनना चाहिए, ऐसा नहीं है। कुरान मजीद के साथ हमेशा हमारा ताल्लुक़ रहना चाहिए। बहुत बेहतर बहुत अच्छे लोग वो हैं कि एक महीने में एक मरतबे कुरान मजीद ख़त्म कर लेते हैं, रोज़ाना एक जुज पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह 29-30 दिन में कुरान मजीद को ख़त्म करने की कोशिश करना चाहिए। इसके मुतल्लिक फ़ज़ीलत आई है। और अगर कोई आदमी हफ्ते हफ्ते में ख़त्म करता है 7 मंजिल हैं रोज़ाना एक एक मंजिल पढ़ता है तो और भी अच्छा है। और अगर कोई आदमी 3 दिन में एक बार कुरान ख़त्म करता है रोज़ाना 10 जुज पढ़ता है बहुत अच्छी बात है, ये अल्लाह का करम है। लिहाजा रमज़ान में मुसलमानों का कुरान के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ हो जाता है। कुरान सुनते हैं पढ़ते हैं और कुरान जो है समझने की कोशिश करते हैं, ये अल्लाह का बड़ा करम है अल्हम्दुलिल्लाह। ये रमज़ान बहुत ही खैर व खूबी के साथ गुज़रा। लोगों ने बताया कि आमतौर पर 8-10 तरावी के बाद लोग कम हो जाते थे, आधी मस्जिद रह जाती थी, लेकिन इस मरतबे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नेक बंदे मस्जिद का एहतराम किए रमज़ान का एहतराम किए, उनके ईमान में एक बेदारी आई रोशनी आई। पूरी रातें तकरीबन आज तक समझिए कि मस्जिद तरावी से भरी रहती थी, ये अल्लाह का बड़ा करम है अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। मुझे भी बड़ी खुशी है कि इस मरतबे अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद के दौर ख़त्म करने का मौका मिला। मैं सोचा पिछले 50 साल से जब से कि कुरान पढ़ते हैं याद करते हैं और साफ़ला करते हैं 50 क्या बल्कि 60 साल से, तो मुझे कभी याद नहीं कि इतनी मरतबे मैंने कुरान ख़त्म किया हो पढ़ा हो।
उसका भी एक बड़ा फायदा हुआ। कई मरतबे हर तीसरे चौथे दिन में कुरान ख़त्म करने के अल्लाह ने तौफीक दी। उसकी वजह यह भी कि सब फुर्सत मिलती थी, घर ही में रहते थे, कहीं नहीं जाते थे, बस कुरान के साथ मशगूल रहते थे। किसी के फ़ोन वोन आए, जवाब सवाल किए, दीनी बातें पूछे, उनका जवाब दे देते थे। बाकी कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं करते थे, कहीं आना जाना, दावत खाना पीना ये सब नहीं करते थे। उसकी वजह से बड़ी बरकत वक्त ने अल्लाह ने दी। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी बिनिअमतिही तत्तिमुस्सालिहात, सारे नेक काम अल्लाह की मेहरबानी से ही पूरे होते हैं। लिहाजा आज जो कुरान का दौर ख़त्म हुआ, ये भी अल्लाह की बड़ी मेहरबानी से ये दौर ख़त्म हुआ। लिहाजा आप सब हजरात काबिल मुबारकबाद हैं कि कुरान का एहतराम किए, कुरान सुनते रहे और साहब कुरान ख़त्म होने में भी आप शरीक हुए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही बेहतरीन मौका है कि दुआ करने से भी अल्लाह ताला ख़त्म कुरान के जो बहुत सारे वक्त होते हैं जिनमें अल्लाह दुआ कबूल करता है, उनमें से एक वक्त ये भी है। मुर्ग बांग देखता है तो अल्लाह दुआ कबूल करता है, सुबह दुआ करो तो। रात के आखिरी पहर में आखिरी हिस्से में दुआ करते हैं तो अल्लाह कबूल करता है। बारिश होती है तो अल्लाह खुद दुआ कबूल फरमाता है। जुमे के दिन एक वक्त है कि अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है। शब कदर में एक वक्त है कि अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है। ऐसे कितनी आए कि सब अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है, अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है। इसलिए हमको हर मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए, अल्लाह से दुआ करना चाहिए, अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल कर ले तो इससे बड़ी हमारी खुशकिस्मती कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी प्यारी दुआ अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्फ़ा फ़ाफ़ु अन्नी, अगर हमारी गर्दने जहन्नम से आग जहन्नम की आग से आज़ाद हो जाए, हमको परवाना मिल जाए कि जाओ तुमको छुटकारा जहन्नम से, तो इससे बड़ी खुशखबरी हमारे लिए और क्या हो सकती है। लिहाजा प्यारी दुआ अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्फ़ा फ़ाफ़ु अन्नी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जिस आदमी को के जहन्नम से हटा दिया गया वो उदखिल जन्ना, और जन्नत में भेज दिया गया फ़कत फ़ाज, यही बड़ी कामयाबी है। मालूम यह हुआ कि सब आखिर एक मोमिन की आखिरी और हकीकी कामयाबी क़ियामत के दिन होगी, जबकि हमको जहन्नम से छुटकारा मिलेगा और जन्नत में दाखिला मिलेगा, वो हकीकी कामयाबी है। दुनिया की कामयाबी कोई कामयाबी नहीं, यहाँ जो कुछ इंसान कमा ले, खा ले, पी ले, बना ले, कुछ भी कर ले, ये सब हर इंसान को मुयस्सर है। यहाँ अल्लाह की नेमत सब के लिए है, चाँद की रोशनी सब के लिए है, सूरज की रोशनी सब के लिए है, हवा सब के लिए है, खाने पीने की चीज़ें जो भी ज़मीन में गल्ला डालते हैं वो उगता है, वो काफिर हो, मुनकर हो, कम्युनिस्ट हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, ये सब नियामतें अल्लाह ने सबके लिए रखी हैं। लेकिन क़ियामत के दिन जब जन्नत और जहन्नम का फैसला हो जाएगा तो जितनी नियामतें हैं सिर्फ मोमिनों के लिए, काफिरों के लिए एक नियामत भी नहीं, एक घूंट पानी भी नहीं मिलेगा। जन्नत के जहन्नम के लोग कहेंगे जन्नती भाइयों, अल्लाह ने तो तुमको इतना दिया है ना, ये घूंट पानी पिला दो ना। कहा नहीं, अल्लाह ने ये तुम्हारे लिए हराम करार दिया है, तुम्हारा पानी पीप है, खून है, सड़ांध है, वही पियो। और इतना गर्म खोलता वो पानी वो पीप फ़क़त्ता आम व सुकूमा अन हमीमा, ऐसा गर्म पानी पिलाया जाएगा कि उनकी आंतें खट खट कर गिरेंगी, फिर उसी वक्त ठीक भी हो जाएंगी। तकलीफ ही तकलीफ, ये अजाब मुसलमानों को भी होगा जो बहुत गुनाह किए, तौबा नहीं किए, अल्लाह चाहे तो उनको भी अजाब होगा, फिर अल्लाह ताला उनको जन्नत में भेजेंगे। ऐसे काले हो जाएंगे जल जल के जैसे कोयला होता है, इतने काले। जन्नत की नहर में ये डुबकी देकर उठाएंगे, ऐसे गोरे बन जाएंगे जैसे मोर निकलता है ना ज़मीन से, कितना सफ़ेद रहता है मोर, फिर उसके बाद उसका रंग बदलता है। वही से अल्लाह के रसूल ने मिसाल देकर बताई कि जहन्नम में जाने वाले ऐसे काले होकर निकलेंगे, फिर उनको जन्नत में भेजा जाएगा। ये मुसलमान
अलबत्ता जो शिर्क किए और अपने आप को मुसलमान भी कहते थे उनके लिए मगफिरत नहीं है। इसलिए आदमी को शिर्क से बचना चाहिए, छोटे से छोटे शिर्क से भी बचना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि शिर्क में हम मुब्तला हो जाएं और जन्नत हमारे लिए हराम हो जाए। इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि साहब जन्नत को अल्लाह ने हराम करार दिया है मुशरिकीन पर, और ख़ुद अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह ला यग़फिरु युशरक बिही, अल्लाह ताला शिर्क के गुनाह को माफ़ नहीं करेगा बग़ैर तौबे के। लिहाजा जो भी जन्नत में जाएंगे मुसलमान ही जाएंगे, और जो जहन्नम में जाएंगे मुसलमान भी जाएंगे काफिर भी जाएंगे, और सारे मज़ाहिब के लोग जाएंगे, जो लोग के गुनाह नहीं किए, जो लोग के शिर्क नहीं किए होंगे वो सारे मुसलमान निकाले जाएंगे जहन्नम से और फिर जन्नत को भेजे जाएंगे। अलबत्ता जो लोग अल्लाह का इनकार किए शिर्क किए वो किसी भी कौम से किसी भी जात से ताल्लुक रखते हों वो लोग हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रह जाएंगे। अल्लाह ताला इस अज़ाब से हम सारे मुसलमानों को बचाए। लिहाजा जहन्नम से आज़ादी मिल जाए तो इससे बड़ी कामयाबी हमारे लिए कोई और नहीं है। आज की रात कुरान तो ख़त्म हुआ, लगता है कि रमज़ान की भी आखिरी रात है, हो सकता है कि कल चांद नज़र आए, ज़्यादा इम्कान है कि कल चांद देखें और परसों मंगल के दिन इंशाल्लाह ईद मनाए, ज़्यादा इम्कान है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग समझते थे फाइनल डिसीजन है, सब बदल गया। होता यह था कि 40 पर 2 मिनट सूरज गुरूब होकर उसके बाद 40 पर 2 मिनट के बाद चांद गुरूब हुआ तो नज़र आता, यही उसूल था। हालांकि कहीं 25 मिनट 20 मिनट भी था लेकिन ज़्यादातर ऐसे था, लेकिन अभी रमज़ान जब शुरू हुआ ना 46 मिनट थे, यानी 40 पर देगा 40 पर 6 मिनट थे जब भी चांद नहीं नज़र आए, इतना बड़ा मुल्क है नहीं नज़र आया। अब कल 50 पर 2 मिनट का फ़र्क है, सूरज गुरूब होने में भी चांद गुरूब होने में भी नज़र आना चाहिए, फिर अल्लाह जो चाहेगा वो करेगा। लिहाजा चांद देखे बगैर ना ईद मनाना चाहिए ना रोज़ा रखना चाहिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अलफितर यौम अफ्तरुन्नास वसौम यसुमुन्नास वलअदहा यौम अज़हान्नास, लोग जब रोज़ा रखें तो सब रोज़ा रखो, और जब लोग ईद करें तो सब ईद करो, और जब लोग ईदुल अज़हा क़ुरबानी के ईद करें तो जब तुमको करना चाहिए। अकेले अकेले 200 आदमी 500 आदमी 40 आदमी ऐसे नहीं करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अलैकुम बिल जमा, हमेशा जमात के साथ जुड़ कर रहो मिल कर रहो, फ़ैन यदल्लाह अलल जमा, अल्लाह की का हाथ अल्लाह की ताकत अल्लाह का हाथ अल्लाह की हिदायत अल्लाह की मेहरबानी अल्लाह की मदद जमात के साथ होती है। मन शद्दा शुद्ध फिन्नार शद्दा फिन्नार, जो आदमी के जमात से अलग होता है वह अलग होकर जहन्नम में जाएगा, इतनी ही सख्त वाई है। लिहाजा दुनिया के अंदर हर जगह पूरा इंडिया इतना बड़ा मुल्क है लेकिन कहीं फितने नहीं हैं, फितने चांद के फितने कहीं भी नहीं हैं सिवाय केरला तमिलनाडु के और एक दो जगह के, इतना बड़ा मुल्क है भाई कहीं नहीं, यहीं सारे फितने आ गए, यहीं गया मालूम होता है कि सब दज्जाल की ज़मीन है, तो कहीं आई ईद आज भी हो गई कल भी ईद होगी परसों भी ईद होगी और हो सकता है उसके बाद भी ईद हो, मालूम होता है कि सब दज्जाल का पड़ाव यहीं आ गया है तमिलनाडु और सब इसके अलावा कहीं नहीं, इतना बड़ा मुल्क। उलमा नहीं है, मुहद्दिसीन नहीं है, मुफस्सिर नहीं है, दीन को जानने वाले नहीं हैं, कितने मदारिज कितने उलमा दुनिया में हैं कहीं भी नहीं, पूरा पाकिस्तान देख लो पूरा इंडिया देख लो सिवाय इस दज्जाल के फितने की ज़मीन के कहीं भी नहीं है। अल्लाह के रसूल ने तो फरमाया कि दज्जाल का फितना ईरान से शुरू होगा इस्फहान से शुरू होगा लेकिन ये फितना यहाँ भी शुरू हो गया है, अल्लाह बचाए। लिहाजा जमा से जो कट जाते हैं ना उनका ठिकाना भी जहन्नम है, कितने नेक काम किए होंगे अच्छे काम किए होंगे नमाज पढ़े होंगे जमात से कटे ना उसकी बड़ी सज़ा होगी, लिहाजा तौबा करना चाहिए जमात से नहीं कटना चाहिए जमात के साथ रहना चाहिए। लिहाजा इसी में खैर आफियत है इसी में बरकत है इसी में इत्तेहाद इत्तिफाक है। चाँद के ताल्लुक से तो हमने तो ये कहा कि साहब जब तक चाँद नहीं देखते
ना ईद मनाते हैं ना रमज़ान मनाते हैं। चांद के ताल्लुक से हमको फिक्र कम होती है, लेकिन गैर कौम के जिनको कहते हैं ना, उनको फिक्र ज़्यादा होती है। सारे हज्जाम को मालूम रहेगा कि अमावास कब है, चांद कब नजर आएगा। पूरे हज्जाम की दुकान में चांद भी जाइए आपको फौरन बताएगा, हाँ अमावास, हाँ चांद नजर आएगा, फना होगा। उसी तरह जो काम करने वाली बुढ़ियाँ रहती हैं गैर मुस्लिम, उनको सनक मालूम रहता है, सिर्फ रमज़ान का नहीं हर महीने का मालूम रहता है, हमको नहीं मालूम रहता है ना कि चांद की तारीख हमारी है, हमको मालूम नहीं होता, महीना भी मालूम नहीं, चांद कब गया कब निकला मालूम भी नहीं। लेकिन उन लोगों को बहुत हिसाब किताब रखते हैं, शायद उनके कैलेंडर में लिखते हैं उसकी वजह से, या कि उनका हिसाब ही कुछ ऐसा है कि सब काम वालियाँ भी बुढ़ियाँ खूब जानती हैं, आके बताती हैं कि सब तीन दिन पहले से तुम्हारी ईद मंगल को होने वाली है, अरे तुझे कैसे मालूम अम्मावास फना दिन होने वाली है, फना फना होने वाला है, अरे उनको मालूम है। हाँ हम लोगों के देखिए, बहरहाल हमको उससे कोई हिसाब किताब से मतलब नहीं है, हम तो चांद देखने वाले हैं, चांद देखकर रोज़ा रखने वाले हैं, चांद देखकर ईद मनाने वाले हैं। लिहाजा आज की रात लगती है कि आखिरी रात हो रमज़ान की, अगर कल रमज़ान की रात है तो फिर सिर्फ तरावी होगी, बयान नहीं होगा, आज से बयान की मजलिस समझिए ख़त्म है। अगर कल है तो सिर्फ तरावी होगी, बयान नहीं होगा, आज गोया आखिरी रात समझते हैं हम रमज़ान की, इसलिए समझिए कि दौर भी ख़त्म हुआ और उसके साथ आज का बयान भी ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल मैं इंतहाई मुझे खुशी है और मैं दुआ गो हूँ आप हजरात के लिए कि माशाल्लाह बड़ी तादाद में शरीक होते थे, दीन की बातों को सुनते थे, तवज्जो के साथ सुनते थे। अल्लाह ताला आपके ईमान के जज्बे को और भी ज़्यादा बढ़ाए, आपके इन सारे औकात को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला मेरे भी और आपके भी सारे गुनाहों को माफ़ फरमा कर हम सबको जन्नती बनाए, और जो लोग हमारे रिश्तेदार तौहीद पर इंतकाल हो गए अल्लाह ताला उन सब की भी मगफिरत फरमाए, उन सबको भी जन्नत नसीब फरमाए। अल्लाह के जो बंदे नेक बंदे मोहताज हैं, ज़रूरतमंद हैं, अल्लाह ताला उन सबकी ज़रूरतों को पूरी करे, मोहताजी को दूर करे, सबके गुनाहों को माफ़ फरमाए। जिनमें अख्तलाफात हैं, जिन लोगों में लड़ाई झगड़े हैं, अल्लाह ताला उनको सुलह सफाई करने की तौफीक नसीब फरमाए। जिन घरों के अंदर लड़कियां हैं, अल्लाह ताला उनके बेहतर से बेहतर शादी का इंतज़ाम फरमाए, और जिनके औलाद नहीं अल्लाह ताला उन सबको औलाद से नवाजें। फ़लस्तीन के लोग जो इंतहाई परेशानी और तकलीफ़ में मुबतला हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करें, यहूदी को जलील करें, खार करें, उसको नाकाम करें, उसकी ज़मीन में जलजला आए कि सब वो लोग ज़मीन के अंदर धस जाएं। और इसी तरह जितने मुसलमान इस मुल्क में या इस मुल्क से बाहर परेशान हैं दीन की वजह से, अल्लाह ताला उन सब की मदद फरमाए, उन सब की मुश्किलात को दूर करें, उनको भी ईद की खुशियाँ नसीब फरमाए। बहरहाल मुसलमान वो है कि जो अपने लिए भी दुआ करता है, अपने भाइयों के लिए भी दुआ करता है। हमारी सबसे प्यारी दुआ क्या है? रब्बना आतिना फिद दुनिया। उसका मतलब क्या है? रब्बना, ऐ हमारे रब, आतिना हम सबको दे, मुझे दे नहीं बोलता, रब्बना आतिनी नहीं बोलता, रब्बी आती नहीं बोलता, रब्बना आतिना, यही दुआ सिखाई गई। रब्बना वलमना अनफुसना, ये दुआ सिखाई गई, ये करो, सबको शरीक करता है एक मुसलमान। लिहाजा हमको चाहिए कि आज के रात में जब दुआ करें तो अपने भाइयों के लिए भी, मुसीबत ज़दा लोगों के लिए भी, सबके लिए दुआ करें, तो इंशाल्लाह वो दुआ हमारे लिए मुफीद होगी। आज की रात हो सकता है कि रमज़ान की आखिरी रात हो, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जाग कर इबादत करने की कोशिश करनी चाहिए, इसलिए कि ताक रात भी है। हो सकता है कि अगर पिछली चार ताक रातें शब कदर नहीं थी तो यकीनन आज की रात शब कदर होगी। ये अल्लाह की मेहरबानी जिसको मिल जाए, सुस्ती ना कीजिए और सब गफलत ना कीजिए, बातों में वक्त ना गुजारिए, दुआओं में, तिलावत में और सब नफिल नमाज़ों में वक्त गुजारिए। अल्लाह को हमारी अदा पसंद आ जाए तो हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। लिहाजा आज की रात तौबे की रात है, अल्लाह से माफ़ी चाहने की रात है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ अन्नी, बार बार पढ़ के अल्लाह से माफ़ी चाहने की रात है। आज की रात इबादत की रात है, आज की रात तकदीर को सुधारने और दुआ करने की रात है कि एक साल भर की तकदीर हमारी अच्छी हो जाए, मुसीबतों से, परेशानियों से,
हादिसों से, नुकसानों से अल्लाह ताला हमको भी, हमारे कारोबार को भी और हमारे घर बार को भी, हमारे औलाद को, सब को अल्लाह ताला हर तरह के फितने से, मुसीबत से, परेशानी से, बीमारी से, वबा से अल्लाह बचाए, इसकी दुआ भी आप करते रहिए। लिहाजा दुआ की रात है, इबादत की रात है, तकदीर को संवारने की रात है, अल्लाह से मुनाजात करने की रात है। इस रात में इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करना चाहिए। जो सबसे बड़ा गुनाह होता है दुनिया के अंदर, जो सबसे पहला गुनाह हुआ इंसान का, वो है ज़ुल्म। सबसे पहला गुनाह जो इंसान ने किया और सबसे ज़्यादा जो दुनिया के अंदर होता है, वो गुनाह है ज़ुल्म। परसों भी हमने इसके ताल्लुक से थोड़ी बातें कही थी, वक्त मुख्तसर था इसलिए ज़्यादा बातें नहीं कर सके। लिहाजा जुल्म से तौबा, ये बहुत बड़ी इबादत है। जुल्म से माफ़ी, तो जुल्म किसको कहते हैं? मैंने बताया कि किसी की हक तलफी को जुल्म कहते हैं, किसी का हक छीन लेना, किसी के साथ नाइंसाफी करना, इसको जुल्म कहते हैं। मैंने कहा कि सबसे बड़ा जुल्म, सबसे बड़ा जो गुनाह हुआ, जो जुल्म का गुनाह हुआ, वो क्या था? आदम अलैहिस्सलाम जुल्म किए। क्या जुल्म किए? जिस चीज़ से अल्लाह ने उनको मना किया था वो खा लिए, ये जुल्म है। इसलिए अल्लाह ने जो उनको दुआ सिखाई, रब्बना वलमना अनफुसना, अल्लाह हमने अपने आप पर बड़ा जुल्म किया, अल्लाह वलम तग़फिर लना, अगर तुम माफ़ नहीं करेगा, व तरहमना, रहम नहीं करेगा, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, हम तो नुकसान ही नुकसान में हो जाएंगे ना अल्लाह। दुआ भी अल्लाह ही ने सिखाई, ये दुआ फतलक्का मिन रब्बी कलिमातिन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुछ दुआ सिखाई, रब्बना अतिना, वो दुआ पढ़े तो अल्लाह ताला ने उनके गुनाह को माफ़ किया। तो लिहाजा सबसे पहला गुनाह जुल्म का हुआ, और सबसे ज़्यादा गुनाह दुनिया में होता है वो भी जुल्म का होता है। लिहाजा जुल्म क्या क्या होता है? एक तो ये के साथ जुल्म अल्लाह के साथ, अल्लाह के साथ जुल्म का मतलब ये है कि आदमी शिर्क करे, अल्लाह का पावर, अल्लाह का इख्तियार दूसरों को दे, और यह समझे कि अल्लाह औलाद देता है, फलां भी औलाद दे सकते हैं, अल्लाह बारिश बरसाता है, फलां भी बारिश बरसाता है, और अगर अल्लाह हमारी ज़रूरत पूरी करता है तो फलां भी हमारी ज़रूरत पूरी करता है, ऐसे कोई एतिकाद रखता है, बड़ा जुल्म है ये। अल्लाह से मांगना चाहिए, दूसरों से मांगता है, अल्लाह की नज़र माननी चाहिए, दूसरों की नज़र मानता है। नज़र का मतलब ऐसा होता है कि कोई आदमी कहता है अल्लाह से, अल्लाह मेरे वालिद बीमार हैं, अगर अच्छा हो गए ना मैं उम्रा करूँगा, अल्लाह मैं दो रोज़े रखूँगा, मैं कुरान ख़त्म करूँगा, ऐसे अल्लाह से कहता है, ठीक। लेकिन यही आदमी अगर यूँ कहे, अगर मेरे अब्बा अच्छे हो गए तो मैं दरगाह को चादर चढ़ाऊँगा, मैं फला पीर साहब के आस्थाने को जाकर वहाँ हाजिरी दूँगा, साहब माउंट रोड को जाऊँगा, यार के साहब कहीं कोल्लम को जाऊँगा, हाँ ये नज़र तुमने गैरुल्लाह के लिए की, ये शिर्क हो गया, ये एक जुल्म ये है कि अल्लाह के साथ जुल्म करना, अल्लाह को कहना कि अल्लाह बड़ा जालिम है, रहम नहीं करता है, मैं कितनी दुआ करता हूँ कबूल नहीं करता है, अल्लाह पर ये अल्लाह के साथ जुल्म हुआ, शिर्क करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह नाम के अंदर आयत नंबर 82-80 पर दो शायद है, अल्लज़ीन आमनु वलम यलबिसू बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अमनु वहुम मुहतदून। अल्लाह के यहाँ हिदायत किसको मिलेगी, कौन कामयाब होंगे? वो लोग जो ईमान लाए और रत्ती भर जुल्म नहीं किए, वो लोग जाएंगे जन्नत में, वो लोग कामयाब होंगे, वो लोग हिदायत याफ्ता होंगे। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल, हमें कौन आज तक ऐसा आदमी जो जुल्म नहीं किया हो, हमें हर आदमी ने कुछ ना कुछ जुल्म किया है, जुल्म करते हैं ना या अल्लाह। कैसे अल्लाह के रसूल? अल्लाह तो कहता थोड़ा भी जुल्म नहीं किए तो उनको कामयाबी है। सहाबा परेशान हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहाँ जुल्म का मतलब है शिर्क जी। जैसे लुक्मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा ना, इन्ना शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा जुल्म शिर्क है। हाँ, जो लोग ईमान लाए और ज़रा भी शिर्क नहीं किए
उनको हिदायत है, उनको कामयाबी है, तो सहाबा को तसल्ली हुई। लिहाजा जुल्म का नाम लेकर कई आदमी घबरा जाता है कि साहब कितना जुल्म हुआ होगा। तो ये जुल्म तो ये है कि अल्लाह के साथ किया जाता है और ये नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। अल्लाह के आदमी तौबा कर ले तो अल्लाह माफ़ करेगा। आज बहुत सारे लोग अल्लाह के साथ जुल्म करते हैं, खाते उसका हैं, गाते दूसरे का हैं, अल्लाह के एहसान को नहीं मानते हैं, अल्लाह को याद नहीं करते हैं, अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं, सब अल्लाह के साथ जुल्म है। लेकिन अल्लाह भी इतना बड़ा मेहरबान है कि उसको मानते उनको भी सूरज चांद रोशनी सब कुछ देता है, जो उसको रात दिन मानते उनको भी देता है। इसलिए कि अल्लाह की मेहरबानियाँ इस दुनिया में सब के साथ हैं, जैसा कि शुरू में मैंने कहा था, यही यही है। ऐसे एक वाक़िया ज़िक्र किया जाता है कोई सही हदीस में नहीं, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मामूल ये था कि जब तक कोई आदमी मिलता नहीं अकेले खाते नहीं, किसी न किसी मेहमान को बुला के साथ खाते। एक आदमी को बुलाए, बुला के बैठाए खाने के लिए। वो आदमी मुसलमान नहीं था, वो कुछ भी शिर्क का काम क्या होगा खाते वक्त बोला होगा, जैसे कहा जाए कि राम राम, ऐसे कुछ भी कहा होगा उनकी ज़बान में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया कि मेरे घर में आकर मेरा खाना खाता अल्लाह का दिया हुआ और अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय किसी दूसरे का नाम लेता है, क्या बिस्मिल्लाह नहीं बोला भाई, कुछ भी दूसरा बोला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा उठ यहाँ से जा। अल्लाह ने कहा ये जो काफिर है इतने साल से है, मैं इसको रोज़ाना खिलाता हूँ, रोज़ी देता हूँ, और तू एक दिन नहीं बर्दाश्त कर सका क्या? देखो अल्लाह की कितनी बड़ी मेहरबानी है भाई, इतने नाशुक्र बंदे, अल्लाह के इंतहाई नाशुक्र, फिर भी अल्लाह ताला उनको रोज़ी देता है, वो भी खाते हैं, वो भी पीते हैं, वो भी सोते हैं, अल्लाह उनको नींद भी दिया, अल्लाह ताला उनको पहनने के लिए कपड़ा दिया, खाना भी दिया, पीने के लिए पानी भी दिया। ये अल्लाह का इतना बड़ा करम है, अल्लाह माफ़ कर देते हैं सबको, यानी माफ़ करने का मतलब ये कि दुनिया में तौबे का मौका देते हैं, वरना माफ़ करने का ये नहीं कि जितना गुनाह करो सब अल्लाह माफ़ कर देते हैं, ऐसा नहीं है। उनको सज़ा मिलेगी, अलबत्ता तौफीक अल्लाह दे देंगे तो हो सकता है ईमान भी ले आए, मौका देते हैं अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर सबके गुनाहों को जान कर भी किसी को सज़ा नहीं देते, इल्ला ये कि उनके गुनाह हद से बढ़ जाए, जैसे कि अम्बिया इकराम की उम्मतों को अल्लाह ने तबाह किया, फिरौन को तबाह किया, कौम आद को तबाह किया, कौम समूद को तबाह किया, शुएब अलैहिस्सलाम के कौम को तबाह किया, कितने लोगों पर कैसे कैसे जलजले आए, नूह अलैहिस्सलाम के कौम को तबाह किया। ये अल्लाह ने दुनिया में भी इंतकाम लिया, लेकिन हर आदमी से अल्लाह इंतकाम नहीं लेता। अगर ज़रा भी इंतकाम ले तो अल्लाह ताला कहते मातर काले हामिद अब्बा, ज़मीन पर एक चोटी भी नहीं रही, सब जुल्म करते हैं ना, तो अगर फौरन फौरन सजा दे एक चूंटी भी नहीं रहेगी, ना शेर रहेगा, ना हाथी, ना इंसान, ना बंदर, ना कुछ नहीं, सबको तब के तब सजा, तब के तब सजा। ऐसा अगर दे दे अल्लाह महतर कालिया मिंदा अब्बा, ज़मीन में एक भी रेंगने वाला चलने वाला नहीं रहेगा। लेकिन अल्लाह ताला सबको मौका दिए हुए हैं उनके उम्र तक तौबा करने के लिए। लिहाजा इंसान का एक जुल्म है अल्लाह के साथ और ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसका ख्याल करना चाहिए। दूसरा गुनाह है जो आदम अलैहिस्सलाम ने किया, अपने आप के साथ गुनाह, अपने आप पर जुल्म करना, ये भी कोई मामूली नहीं है, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। अपने आप के साथ क्या जुल्म करेगा, जैसा कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मना किया था कि उस दरख्त नहीं खाना खाए, तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने आप पर जुल्म किया। वैसे हम रात दिन अपने आप पर जुल्म करते हैं, इसको खुद सोचिए कितना बड़ा जुल्म करते हैं। जैसे आदमी सोने जाता है बिस्तर पर तो अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतवहिया, बिस्मिकल्लाहुम्मा मुतवहिया पढ़कर सोना चाहिए, हमारे प्यारे नबी ने सिखाया। ये पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते हैं। जुल्म हुआ कि नहीं हुआ भाई? अपने आप पर जुल्म किए ना। अगर ये दुआ पढ़कर सोते सवाब भी मिलता, और अगर वजू भी करते और सोते ये दुआ पढ़ के तो अल्लाह ताला हमको जन्नती बनाता। अपने आप पर जुल्म किए ना,
ये भी बड़ा जुल्म है। देखो अपने आप पर किसी को सताए नहीं, किसी को मारे नहीं, किसी को गाली नहीं दिए, किसी का माल नहीं छीने, लेकिन अपने आप पर जुल्म किए। वही जुल्म हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किया था। रब्बना ज़लमना अन्फुसना, अल्लाह हमने अपने आप पर जुल्म किया। अल्लाह किसी को मारे नहीं, किसी को सताए नहीं, आदम अलैहिस्सलाम किसी का माल नहीं चुराए, कुछ नहीं किए, अपने आप पर जुल्म किए। लिहाजा अगर आप सोचें तो एक दिन में कितने जुल्म हम अपने आप पर करते हैं। सोकर उठे भाई, क्या करना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर, दुआ पढ़ना चाहिए। पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते ना। ये अपने आप पर जुल्म हुआ कि नहीं हुआ? जुल्म कितना है मेरे भाई। जब भी तुम कहते हैं ना रब्बना ज़लमना, अल्लाह बड़े जालिम हुए अपने आप को, ये सब नहीं करने की वजह से जहन्नम में जाएंगे, तकलीफ उठाएंगे, परेशानी होगी, क्या क्या होगा ना अल्लाह, अगर आदमी सोचे तो ये होगा। तो देखो अपने आप पर कितना जुल्म करते हैं हम लोग। सवेर अजान सुने तो आदमी को उठना चाहिए, आके नमाज पढ़ना चाहिए वजू करके, नहीं आते हैं, नहीं उठते हैं, नमाज भी नहीं पढ़ते हैं। कितना बड़ा जुल्म हो गया जी, बहुत बड़ा जुल्म हो गया ना। आदमी घर से निकलता है, दुआ पढ़ कर निकलना चाहिए, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और भी दुआएं आती हैं, पढ़े बगैर निकलता है घर से। जुल्म हुआ कि नहीं हुआ? अल्लाह ताला ने तुमको अल्लाह के रसूल ने दुआ सिखाई, घर से निकलते वक्त ये दुआ पढ़ो, नहीं पढ़े। घर के अंदर आते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ के आना चाहिए, नहीं पढ़े। ये जुल्म हुआ कि नहीं हुआ जी? इस्तिंजा को जाना चाहिए कि पढ़कर अल्लाहुम्मा इन्नी औदु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइथ, जब चलकर अंदर जाना चाहिए, पढ़े बगैर जाते हैं। जुल्म हुआ कि नहीं हुआ जी? निकले वहाँ से बैतुल खला से पढ़ना चाहिए गुफराना का, पढ़े नहीं। जुल्म हुआ कि नहीं हुआ जी? खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना चाहिए, बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े खा लिए। जुल्म हुआ कि नहीं हुआ? खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अत्अमनी हाज़ा व रज़क़नी मिन ग़ैरि हौलिन वला क़ुव्वा, ये दुआ पढ़नी चाहिए, बगैर पढ़े हुए खाना खा कर ख़त्म कर लेते हैं। जुल्म हुआ कि नहीं हुआ जी? खान पानी पीते हैं, बैठ कर पीना चाहिए, खड़े होकर भी पानी पीते हैं, जुल्म हुआ कि नहीं हुआ जी? बिस्मिल्लाह बोलकर पानी पीना चाहिए, नहीं बढ़ते हैं, हो जुल्म हुआ कि नहीं हुआ? सीधे हाथ से पानी पीना चाहिए, उल्टे हाथ से पिया, जुल्म हुआ कि नहीं हुआ? पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, नहीं कहा। सोच कर देखो कितना जुल्म करते हैं एक दिन में अपने आप पर, अपने आप पर जुल्म करते। एक जुल्म तो अल्लाह के साथ हुआ, अल्लाह तो कहता देखो मैं इंसाफ वाला हूँ, छोटी एक नेकी करे तो मैं सवाब देता, नेकी करे सवाब नहीं दिया तो मैं जालिम। मेरे पास वैसा कानून नहीं, तुम छोटी नेकी करो, चूंटी उतनी नेकी करो मैं दूंगा। जैसे एक आदमी बड़ी नेकी, भाई ये छोटी नहीं, छोटी के लिए कोई समझ में नहीं आए तो बताता हूँ बड़ी नेकी। एक आदमी रास्ते में गुजर रहा है, चल रहा है, देखा एक पत्थर है, ओ ये पत्थर साइकिल वाला या बूढ़ा कोई भी आएगा उसे लगेगा ना, किनारे कर दिया। इस नेकी का भी बदला अल्लाह देगा। हदीस में तो आया कि एक आदमी को अल्लाह के रसूल ने देखा जन्नत में आराम से, क्या भाई क्या नेकी की भाई, कहा एक दरख्त की डाली नीचे आ गई थी, कोई भी जाता सर में लगती, सर खुजाते हुए चले जाता। मैं बोला अरे क्या भाई सबको तकलीफ होती क्या, कुल्हाड़ी ला के उसको काट दिया, आराम से जाते आ बात है। अल्लाह को मेरी इन्हें की इतनी पसंद आई कि मुझे जन्नत दे दिया अल्लाह। कयामत में सबको बदला मिलेगा, लेकिन मिसाल दिए देखो एक नेकी करे तो अल्लाह उसका बदला देते, सब बड़ी बड़ी नेकी, छोटी से छोटी नेकी भी करोगे तो उसका भी तुमको अल्लाह ताला सवाब देगा। जैसे कोई बिल्ली का बच्चा है, भूख से मर रहा है, आपने थोड़ा दूध पिला दिया सा, वो भी एक बहुत बड़ी नेकी है। हदीस में आता है एक औरत, बिल्ली ने कुछ भी उसके घर में दूध पी लिया, औरतों को गुस्सा ज़्यादा आता है ना, बदला भी लेती हैं औरतें और बहुत सख्त बदला लेती हैं। कहा अच्छा अच्छा ये बिल्ली दूध पी गया, अब इसको सतर्क कुछ भी रख के जो है समझे कि कुछ मछली रख दी, कुछ भी रख दी, पकड़ ली उसको,
पकड़ के बांध दी, अब दूध पी नहीं, अब मजा चख, तड़प 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 के मर गई बिल्ली, खोली भी नहीं, वहाँ जो गीली मिट्टी उसको भी चाटने का मौका नहीं, कीड़े कीड़े खाने का भी बांध के रखे खंबे में। क्या हुआ? जुल्म किया ना बिल्ली के साथ, क्या हुआ? जहन्नम में गई वो। देखो जुल्म अल्लाह पसंद नहीं करता, ये सब दूसरों के साथ जुल्म हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह छोटी सी छोटी नेकी का भी बदला देता, और छोटे से छोटे गुनाह को भी अल्लाह जानता, लेकिन बदला चाहे तो देगा नहीं तो माफ भी करेगा। माफ करना जुल्म नहीं, छोटे नेकी बुराई का बड़ा बदला दिए तो ये जुल्म, छोटी नेकी का छोटी बुराई, छोटी बुराई का बड़ा गुनाह दिए, बड़ी सजा दिए तो जुल्म, लेकिन छोटी बुराई को माफ कर दिए तो ये जुल्म नहीं, ये अल्लाह की मेहरबानी। छोटी नेकी का बदला बड़ा दिए तो ये इंसाफ, अल्लाह का मेहरबानी अल्लाह की। तो अल्लाह छोटी से छोटी नेकी का भी और छोटी से छोटी बुराई का भी अल्लाह बयान बदला दे सकता है, इंसान को यह समझना चाहिए। तो एक जुल्म हुआ अल्लाह के साथ, अल्लाह ने कहा या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्मा अला नफ्सी व जअलतु बैनकुम मुहर्रमा फला तज़लमु, बंदो सुन लो, मैं जुल्म नहीं करता, मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम करार दिया, तुम भी किसी पर जुल्म नहीं करना, जुल्म हराम है। अल्लाह ने हमको कहा है भाई किसी पर जुल्म नहीं करना, अपने आप पर भी जुल्म नहीं करना ना, तो सोचिए कि सब कितने गुनाह करते हैं, ये सब क्या अपने आप के साथ जुल्म। जो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा ना रब्बना ज़लमना अन्फुसना, ए अल्लाह हमने अपने आप पर जुल्म किया। कहा जी आदमी सवारी पर बैठता है बिस्मिल्लाह पढ़ कर बैठना चाहिए, सुभानल्लज़ी सख़्खरना हाज़ा, कहीं दूर जाना चाहता है तो सब पढ़ लिया बिस्मिल्लाह पढ़ कर सवार होना चाहिए, नहीं जी नहीं पढ़ते हैं तो जुल्म हुआ कि नहीं हुआ जी? कितना जुल्म करते हैं जी? एक दिन में गिनते जाओ तो मालूम हुआ का एक दिन में 300-400 जुल्म करते हैं, एक नहीं दो नहीं। एक मुसलमान भाई सामने से गुजरा, आपने उसको सलाम नहीं किया, ये भी जुल्म है अपने आप पर, क्यों सलाम नहीं किया जी उसको? एक आदमी छींका अल्हम्दुलिल्लाह बोला, आपने यरहमुकल्लाह नहीं कहा, ये भी तुमने अपने आप पर जुल्म किया। एक आदमी ने तुमको सलाम किया वालेकुम अस्सलाम नहीं बोले, ये भी तुमने जुल्म किया। तुम्हारा एक भाई बीमार था उसको जाके देखना चाहिए, गए नहीं, ये भी जुल्म हुआ। कितने जुल्म है जी? एक भाई आकर आपसे मशवरा लिया, आपने उसको अच्छा मशवरा नहीं दिया, ये सब जुल्म 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 अपने आप पर जुल्म। तो देखो एक जुल्म हुआ अल्लाह के साथ, और दूसरा जुल्म अपने आप पर जुल्म करता है आदमी। कितने आदमी होंगे कपड़े पहनते हैं तो उनका पाजामा और लुंगी सब टखने के नीचे गिरता है, ये जुल्म नहीं है क्या? जहन्नम में जाओगे, तुमने अपने दिल की बात मानी, दुनिया का फैशन देखे अपने आप को ले जाकर जहन्नम में डाल लिया, ये जुल्म नहीं है क्या अपने आप के साथ? सोच कर देखो कितने जुल्म करते हैं जी हम लोग। कहीं सूद को पैसा ले लिया, कारोबार के लिए बैंक से पैसा ले लिया और सब जेवर ले जाकर रख दिया, फलां किया औरतें जैसे करते हैं आमतौर पर, जो कुछ जेवर होता है ले जाकर रख देती हैं और सब उसके बाद वो पैसा लेकर आती हैं, जुल्म नहीं है क्या? इतना बड़ा हराम काम किए, कितने जुल्म है जी? आदमी झूठ बोला, जुल्म नहीं है क्या? अपने आप पर कितना जुल्म करते हैं हम। इस जबान को अल्लाह ने अपने जिक्र के लिए दिया है, इस जबान से गइबत करते हैं, बुराई बयान करते हैं, किसी को गाली देते हैं, ये जुल्म नहीं है क्या? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिमो मन सलीम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही वल मुहाजिरु मन हजरा मा नहल्लाहु अन्हु, मुसलमान पक्का वो है जो अपनी जबान से भी अपने हाथ से भी किसी को तकलीफ ना दे
किसी को तकलीफ ना दे, इसमें मुसलमानों का लफ्ज है, मुसलमानों को तकलीफ ना दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काफिरों को गाली देना चाहिए, काफिरों को मारना चाहिए, नहीं। ये एक इस्लामी सोसाइटी थी ना मदीने की, इसलिए अल्लाह के रसूल ने वैसा फरमाया, देखो खबरदार तुम्हारी जबान से किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं होना और तुम्हारी ताकत से कुव्वत से और हाथ से किसी को तकलीफ नहीं होना। तो जुल्म बहुत बड़ा है, यही जुल्म अगर याद करें तो हमको याद आ गया कि हमने कितना जुल्म किया है अपने आप पर। एक तो अल्लाह के साथ जुल्म हुआ और दूसरा जुल्म हुआ अपने आप के साथ, और अपने आप के साथ सुबह से शाम तक जुल्म ही जुल्म होते रहता है। रब्बना ज़लमना अन्फुसना, आदम अलैहिस्सलाम ने ये गुनाह किया तो हमेशा रो 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 के दुआ करते थे, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह खा लेना, हराम खा लेना, मुंह में चला गया ना, अल्लाह माफ़ कर दे। ये गुनाह पर इतना रोए, और रोना भी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह माफ़ नहीं करेगा तो कहाँ जाएंगे हम। वैलम तफ़िर लना वतरहमना, अल्लाह तो अगर माफ़ ना करे, रहम ना करे, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, हमारी दुनिया भी गई आखिरत भी गई ना अल्लाह। यही हमको भी सोचना चाहिए, अल्लाह अगर तू नहीं माफ़ करेगा तो फिर कौन माफ़ करेगा। अल्लाह अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, आज की रात दुआ की रात है, अल्लाह से माफ़ी मांगने की रात है। दो जुल्म भी ना, एक अल्लाह के साथ जुल्म करना और दूसरा अपने आप पर जुल्म करना, ये दोनों हुए। तीसरा जुल्म है दूसरों पर जुल्म करना, दूसरों को तकलीफ देना, दूसरों को सताना, दूसरों का हक मारना, दूसरों को परेशान करना, दूसरों की बुराई बयान करना, ये सारी चीज़ें तीसरा जुल्म है, और ये बहुत सख्त है भाई। पहला जुल्म तो सबसे बड़ा जुल्म, अल्लाह के साथ जो शरीक किए, और उसके बाद ये जो दूसरों को सताए, परेशान किए, उनका माल छीने, ये भी कोई कम नहीं है, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हर बंदे के तीन रजिस्टर लाए जाएंगे, मैं आऊँ आप आए कोई भी आएंगे, पहला इसने शिर्क किया है क्या, हाँ शिर्क है, बाकी दोनों दफ्तर कैंसिल। शिर्क किया है तो अमल कबूल नहीं है उसका, लिहाजा इसका जहन्नम का फैसला। शिर्क नहीं किया तो तौहीद पर, हाँ ठीक। दूसरा दफ्तर खोलो, अल्लाह ने नमाज नहीं पढ़ा, रोज़ा नहीं रखा, तरावी नहीं पढ़ा, फलां नहीं किया, शराब किया, ये सब मेरे में जुल्म किया, मेरे साथ हक मेरा हक मारा, चलो मैं माफ़ कर दिया उसको, अल्हम्दुलिल्लाह अब ये भी माफ़ हो गया, और पहला भी चूँकि शिर्क नहीं किया था वो भी कबूल कर लिया। अब तीसरा दफ्तर खोलो जी, अब उसमें तो बंदे के हकूक़ हैं, अल्लाह इसको ये सताया, फला परेशान किया, फला का माल छीना, फला को धोखा दिया, फला के पास कर्ज लिया उसको वापस नहीं किया, फला की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया, फला आदमी के गइबत किया, काम मैं नहीं माफ़ करता इसको, ये तो बंदे माफ़ करेंगे, बंदे माफ़ करेंगे तो मैं माफ़ करता, अब तो माफ़ करने का वक्त नहीं ना। तो तीन दफ्तर में दो दफ्तर तो माफ़ हो सकता।